डीएनजीसी यानी कि देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, जिसका उसमें एडमिशन पाने के लिए सबसे फर्स्ट तो हम लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक सिलेक्शन लिस्ट निकलता है और रिजेक्शन लिस्ट वगैरह निकलता है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं बोलने से। सबसे फर्स्ट तो आपको क्या करना है, मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक जो मिल जाएगा वो लिंक पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट जाना है, या फिर आप उस लिंक को कॉपी करके कोई भी ब्राउज़र पर ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद इधर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट, तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो अंदर पे पूरा अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग कोर्सेज का ढेर सारे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट जो आएगा। तो ये कहाँ पे कर रहे हैं बोलने से, आपको डीएनजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट में आके, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है, एडमिशन फॉर्म फिल करता है, उसी में जाके हम लोग को इधर पे ही मतलब देखने को मिलेगा। तो ये मैं मोबाइल पे दिखा रहा है तो इसलिए यहाँ पे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पीरियड इज़ ओवर, तो यहाँ राइट साइड पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिस का जगह में आपको ये जो आ जाएगा, ठीक है। तो लिंक जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू आप यहाँ पे पहुँच जाएगा। वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप जैसे मेरा यहाँ इस इंटरफेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वही आपको उसी जगह पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से ओपन करके आप जो ये सिलेक्शन लिस्ट वगैरह को आप देख सकता है, डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप किसी को भी शेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप मेरिट लिस्ट को ओपन करेगा तो यहाँ पे ढेर सारे चीज़ें जैसे कि अलग अलग कोर्सेज़ का, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं बीकॉम कैचमैन का है और ओपन है, फिर एनसीसी का कुछ कोटा होता है उससे जो मिला मेरिट लिस्ट में आने वाला, उसके बाद फिर बीएससी बॉटनी का कैचमैन एरिया का, और ये बीएससी बॉटनी का जो ओपन कैटेगरी वाला जो नॉन कैचमैन वाला, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को आपको क्या करना है, देख के यहाँ से आप अपना पर्टिकुलर जो कोर्सेस है सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप क्लिक करके डाउनलोड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एनसीसी एनएसएस वाला, ये जो एनसीसी एनएसएस का कोटा से आने वाला, ठीक है, तो कैचमैन वाला जो कैचमैन एरिया का है और ओपन वाला जो नॉन कैचमैन एरिया का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ से देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं।